गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज की नवरात्रि पिक एक बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है, केन्स टेक्नोलॉजीज में खरीदारी करने की सलाह है। 5340 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। अगली नवरात्रि तक का टारगेट है 6500 रुपए का, 6500 का। ये बहुत ही हाई ग्रोथ सेक्टर में ऑपरेट करने वाली कंपनी है, एक इंटीग्रेटेड EMS प्लेयर है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाती है, फिर एरोस्पेस और मेडिकल इक्विपमेंट इन सब सेगमेंट को भी कैटर करती है। और अभी इन्होंने स्मार्ट मीटर्स के सेक्टर में भी फोरे किया है। इनकी एक नई फैसिलिटी आ रही है हैदराबाद तेलंगाना में, जो कि अभी खाली में शुरू हुई है, और वहां पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से सरकार का लक्ष्य है 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स लगाने तक इंस्टॉल करने का, और वहां पे अच्छी खासी एक 5000 करोड़ की इनके पास ऑर्डर बुक है। दूसरा सेगमेंट जो इन्होंने शुरू कर रहे हैं वो है कवच का, जो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, कवच जो रेलवे सेफ्टी के लिए। तो उसमें भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका नाम यूनिक फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि एक यूनिक टेक्नोलॉजी है। और उसके लिए एक ऑस्ट्रिया की कंपनी है सेंसोनिक नाम की, उसके साथ JV फॉर्म किया है, जिसमें इसका 54% हिस्सेदारी है। तो इस तरह का एक और सेगमेंट है, हाई ग्रोथ सेगमेंट, जिसमें कंपनी उतर रही है। और तीसरा, इनको अभी हाल ही में सेप्टेम्बर की 2 तारीख को ही एक OSAT फैसिलिटी, यानी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी के लिए केंद्रीय सरकार से अप्रूवल मिला, और इन्होंने ऑलरेडी गुजरात में लैंड एक्वायर करके उस पर काम चालू कर दिया है। तो वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज है। एक और जो कंपनी मैं आमतौर पे कई बार रिकमेंड करता हूँ, CG पावर है, जिसको इस तरह का एक अप्रूवल मिला है, तो उस वो अप्रूवल भी इनके पास है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है, अच्छे मार्जिन है 15% के, और एक जबरदस्त ग्रोथ के लिए तैयार है ये स्टॉक। मुझे लगता है बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। करंट लेवल्स पे हाइस थे 5800 के, वहां से करेक्टेड है, और मेरा इसमें अगली नवरात्रि तक का टारगेट है 6500 रुपए। 6500 के लक्ष्य के लिए अगली नवरात्रि तक केन्स टेक्नोलॉजी में करें निवेश। राय आपके लिए सेठ साहब की तरफ से आती दिख रही है। आप सोचेंगे सेठ साहब आज थोड़ी जल्दी कैसे आएंगे, जल्दी तो आएंगे, 15-10 बजे से पॉलिसी का कवरेज शुरू होने वाला है, और